जरा बिना किसी फोर्स के बहती हुई नदी की कल्पना करें, जो अपने रास्ते में आती हुई हर रुकावट को गरिमा और सहजता से पार करके बहती जा रही है। आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी को देखें जो हवा के साथ उड़ता हुआ चला जा रहा है, बिना किसी और बात की परवाह किए हुए। किसी पेड़ को देखें जिसकी पत्तियां हवा के रुख की तरफ एक मधुर आवाज़ के साथ झूम रही हों। नेचर में ऐसे कई एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां बिना किसी फोर्स के चीज़ें सहजता से घट रही हैं। जीवन भी ऐसा ही स्पॉन्टेनियस हो सकता है अगर हम फ्लो के साथ बहना सीख लें। और ध्यान रखें, जिसने फ्लो के साथ बहना जान लिया, फिर फ्लो भी उसी का हिस्सा हो जाता है। इमेजिन करें कि हमारी लाइफ में जो भी हो वो बहती हुई नदी के जैसा महसूस हो। ताओइज्म में इस विद्या को वू वेई कहा गया है। ये हमारे आसपास की दुनिया के साथ हार्मोनी के साथ काम करने से है, जहां हम चीज़ों को अपनी तरफ से ज़बरदस्ती आरोपित करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़कर जीवन से समझौता कर लेते हैं। फ्लो के साथ बहने का मतलब हमारे प्रयास भी अब उस फ्लो का हिस्सा हैं, ऐसा जान लेना है। ये वैसा ही है कि जब हम किसी पेंटर, डांसर या किसी क्रिएटिव काम को करने वाले को देखते हैं, उनके काम में तब जादू होता है जब वो फ्लो स्टेट में होते हैं। बिना किसी फोर्स के वो अपने आप को अपनी पेंटिंग या डांस में बहने देते हैं। वहाँ समय रुक सा जाता है क्योंकि वो अपने काम में इतना डूब जाते हैं। वू वेई का अनुभव करने के लिए हमें कोई आर्टिस्ट नहीं होना है। इसे हम अपने दिन के सामान्य कामों में भी महसूस कर सकते हैं, जब हम अपने आप को जो घट रहा है उसका हिस्सा बन जाने देते हैं और फोर्स किए जाने की नेगेटिव एनर्जी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। दरअसल हम फोर्स कर सकते हैं, ये हमारे अहंकार का ही हिस्सा है। जीवन परमात्मा का नृत्य है और ये हमारा ही बनाया हुआ है, ऐसा जान लेना परमात्मा हो जाने जैसा है। हर क्षण को अपने भीतर जीवन ऊर्जा के साथ बहने देना है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इमेजिन करें कि हम एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं और हैवी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जनरली इस कंडीशन में हम तनाव से भर जाएंगे और बेचैनी महसूस करने लगेंगे, लेकिन वू वेई के साथ हम इस तनाव से मुक्त हो जाते हैं। हम ट्रैफिक को यात्रा का हिस्सा समझकर स्वीकार कर लेते हैं। हम एक गहरी सांस लेते हैं और शांत महसूस करते हैं। अब हम ट्रैफिक से बेचैन नहीं होते हैं, बल्कि सिचुएशन के साथ बहने लगते हैं। ट्रैफिक तो दोनों हालतों में एक जैसा ही है, लेकिन हमने बहना सीख लिया तो तनाव खत्म हो जाता है। हो सकता है कि हम मीटिंग में थोड़े लेट हो जाएं, जो कि वैसे भी होना ही था, लेकिन अब हम तनाव साथ लेकर नहीं आते हैं। वू वेई को हम अपने रिश्तों में भी प्रयोग कर सकते हैं, जहां हम रिश्तों को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और उन्हें नेचुरली बहने और ग्रो होने देते हैं। ध्यान रखें, होता वैसे भी वही है जो होना है। हमारे फोर्स करने से बस हम खुद को तनाव से भर लेते हैं। वू वेई विद्या को जानने वाला जीवन के बहाव के साथ एक हो जाता है। वो ये जान लेता है कि ये लीला है, तब सारे फोर्स मिट जाने देता है और फ्लो के साथ एक हो जाता है। फ्लो को स्वीकार करने से हम जो भी करते हैं उसमें एक अलग ही निखार आ जाता है, क्योंकि अब कृत्यों में कर्ता भाव का अहंकार नहीं रह जाता है। वू वेई में हम चीज़ों पर पकड़ बनाने की आदत से मुक्त होने के बारे में भी सीखते हैं। जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, हम उसे पकड़ने का भाव बनाने लगते हैं, बिना ये जाने कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये सोचकर कि चीज़ें हमारे हिसाब से चलती रहें, हम अनावश्यक पकड़ बनाने का प्रयास करने में पूरा जीवन गुजार देते हैं। इस डर से कि कहीं हमारे पास जो है हम उसे खो ना दें, हम अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। लेकिन पकड़ के प्रति ये लगाव हमें अपना गुलाम बना लेता है। यहाँ वू वेई विद्या हमें पकड़ को छोड़कर बहाव को बने रहने देने की कला सिखाती है। याद रखें, बहाव के साथ खुद को छोड़ देना हार मान लेने जैसा नहीं है। ये ऐसा है कि अब हम अपनी पकड़ की आदत को छोड़कर समर्पण के साथ प्रयास जारी रखते हैं, और तब प्रयास में भी निखार आ जाता है, क्योंकि अब प्रयास बहाव का हिस्सा हो जाता है।
ऐसा करने से हम पकड़ के अहंकार का बोझ उतारकर मुक्त हो जाते हैं। हमें एक ऐसी फ्रीडम का एहसास होता है जो हमने अपने जीवन में कभी नहीं जानी। हम जीवन को उसके हिसाब से चलने देते हैं। जब हम माँ के पेट में थे तब किसने हमारे दूध की व्यवस्था की? जन्म लेने के बाद किसने हमें बताया कि भूख लगने पर रोना है? क्या किसी को हमें सांस लेने के लिए सिखाना पड़ा था? कौन हमारे लिए आगे से आगे सोचता रहा? और तब तो कोई फोर्स करने का भाव नहीं था। अस्तित्व हमें राजा बना के रखता है और हम अपने फोर्स करने और पकड़ की आदत की वजह से भिखारी बने रहते हैं। जीवन अपनी गहराई में हमारे सामने होता है जब उसे बदलने और पकड़ने का प्रयास ना किया जाए। जीवन की अपनी एक व्यवस्था है जो हमारी बनाई व्यवस्थाओं से कहीं ज्यादा उन्नत है, और जीवन की इस व्यवस्था पर श्रद्धा रखना जोखिम और साहस से भरा हुआ है। लेकिन अंत में रिवार्ड उन्हीं को मिलता है जो साहस से भरकर अस्तित्व की व्यवस्था के साथ बहने का जोखिम उठाते हैं। अध्यात्म में इस व्यवस्था को डिवाइन अरेंजमेंट कहते हैं। डिवाइन अरेंजमेंट के अनुसार हमारे लिए जो भी सही होता है, अस्तित्व उसकी व्यवस्था करता ही है। इसे महसूस करने और इसके प्रति श्रद्धा रखने से पैदा हुई सकारात्मकता और धैर्य हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं, और इसकी वजह से प्रयास का स्तर भी निखर जाता है। जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ और अनिश्चित है। इसके हर पहलू को कंट्रोल करने का भाव सिर्फ तनाव को ही बढ़ाता है। इसके उलट अगर जीवन के बदलाव और विरोधाभास को स्वीकार कर लिया जाए तो इसके आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते हैं। नेचर आश्चर्यों से भरा हुआ है। सभी जीव जंतु नेचर के फ्लो के साथ बहते हैं। वो जीवन के रस के साथ एक हैं, और हम अपने सोचने समझने की क्षमता के बावजूद जीवन को अपनी दिशा में खींचना चाहते हैं, और यही सारे तनाव की जड़ है। हम नेचर से सीख सकते हैं कि वो कैसे लाइफ करंट के साथ एक है, और जब हम जीवन के आश्चर्यों के लिए तैयार होते हैं तब हम इससे बड़ी आसानी से तालमेल बिठा सकते हैं। इस तालमेल से हम जीवन को और ज़्यादा गहराई से जान पाते हैं, और जीवन के विरोधाभासों से अपना रास्ता जान पाते हैं जो परमात्मा ने हमारे लिए चुना है। हम जीवन भर जानकारियां इकट्ठी करते रहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन चूक तब हो जाती है जब हम उन जानकारियों को विजडम समझकर उन्हें अपने जीवन जीने के तरीके में अडॉप्ट करने लगते हैं। जबकि विजडम हमें अपने भीतर से मिलती है, और जानकारियों की बजाय अगर अपनी विजडम को फॉलो किया जाए तो लाइफ स्पॉन्टेनियस हो जाती है। हमारी इनर विजडम अस्तित्व के सहज फ्लो का ही हिस्सा है। अपनी इनर विजडम से परिचित होने के लिए हमें दूसरे हमारे बारे में क्या राय रखते हैं इसे छोड़ना होगा। असल में 95% लोगों का खुद के जीवन से परिचय दूसरों की राय से निकलता है, जो कि खुद को धोखे में रखने जैसा है। अपने दिमाग को जरा उस रेडियो जैसा इमेजिन करें जिसमें लगातार दूसरों की राय चलती रहती है। फिर अपनी विजडम के लिए कोई स्पेस ही नहीं होता है। हर जीवित प्राणी के अंदर एक संगीत बहता है। पूरे यूनिवर्स में एक राग गूंज रहा है जो हमारे अंदर भी है, पर हमने विचारों का इतना शोर इकट्ठा कर लिया है कि हम और कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। जीवन के अंत तक हम बाहर खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन जो हमें यूनिवर्स से गिफ्ट में मिला हुआ है उसके लिए अनजान बने रहते हैं। वो वेई को ठीक से समझने से हम नेचर के फ्लो के साथ एक हो जाते हैं, और अपनी लाइफ को नेचर के साथ ही स्पॉन्टेनियस बना लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपके लाइक और शेयर करने से ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड होता है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।